देहरादून दिल्ली हाईवे पर हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में रविवार शाम यूपी रोडवेज की एक बस स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के पलटते ही 57 यात्रियों से भरी बस में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कनखल में होटल खान देवड़ा के पास पहुंचते ही अचानक एक स्कूटी बस के सामने आ गई। उसे बचाने के चक्कर में बस डिवाइडर पर चढ़ गई और अनियंत्रित होकर पलट गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वनिधि परिवार के लाभार्थियों के साथ संवाद किया और स्वनिधि के लाभार्थियों एवं स्वनिधि के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले बैंकर्स एवं अन्य लोगों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को 9% अनुदान मिलने के बाद जो 3-4% ब्याज देना पड़ता है, आने वाले समय में ये भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। डीडी हॉट के नारायण नगर डिग्री कॉलेज में शिक्षकों के न होने से छात्र परेशान हैं। कई दिनों से डिग्री कॉलेज में विज्ञान के शिक्षक न होने से छात्रों में रोष है। छात्र संघ अध्यक्ष अजय अवस्थी ने K24 न्यूज को बताया कि अपनी मांगों को लेकर कॉलेज प्रबंधक के पास गए थे। कॉलेज प्रबंधक ने 10 दिन के भीतर टीचरों की नियुक्ति करने की बात कही थी, जबकि 10 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है, अभी तक कोई भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में अजय अवस्थी ने बताया कि यहां पढ़ रहे छात्रों का भविष्य अधर्म में है। छात्र संघ अध्यक्ष अवस्थी ने बताया कि BSc में जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों के भी अध्यापक नहीं है। वहीं अवस्थी ने बताया कि पिथौरागढ़ में महाविद्यालय के कैंपस बनने के बाद नारायण नगर डिग्री कॉलेज में लगातार छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में शिक्षकों का न होना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। लंबे समय से हम महाविद्यालय में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, लगभग 2 साल हो गए हैं गणित का पद महाविद्यालय में रिक्त पड़ा है। वर्तमान में कुछ समय पूर्व ही भौतिक विज्ञान के जो अध्यापक थे उनका स्थानांतरण कैंपस में होने के कारण भौतिक विज्ञान का पद रिक्त है। ऐसे में हम अपेक्षा करते हैं कि गणित का और फिजिक्स, जो गणित या फिजिक्स के कोई एक टीचर अतिशीघ्र महाविद्यालय में भेजे जाए। तमाम हम मांगे समय समय पर महाविद्यालय के हित में और छात्रों के हित में करने आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि महाविद्यालय में पुस्तकों की कमी है, महाविद्यालय में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को खोलने का प्रयास अतिशीघ्र करें। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार 2 से 3 बार मिल चुके हैं। हमारा प्रयास है कि महाविद्यालय में NCC खुले एवं तमाम महाविद्यालय के हित में विषय खुले, जिससे हमारे इस क्षेत्र के बच्चों का भविष्य संवर सके। रविवार को प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक के बाद राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक ली। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार और जनता के बीच सेतु बनकर काम करना है, साथ ही जनता की राय और समस्या को सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने हर महीने सांसद और विधायकों की गांवों में टिफिन बैठक करने को कहा है। बैठक में प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हो रहे अभिनव प्रयोगों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने खास तौर पर नीति माड़ा की महिलाओं की ओर से भेजे गए भोजपत्र की भेंट का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि प्राचीन काल में हमारे शस्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्र पर सहेजे जाते रहे हैं। आज देवभूमि की महिलाएं इस भोजपत्र पर बेहद सुंदर स्मृति चिन्ह और कलाकृतियां बना रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की ओर से भेंट में दिए गए भोजपत्र उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। मैं इससे अभिभूत हूँ। भारत आने वाले यात्रियों के साथ खींचतान को देखते हुए नेपाल की सुरक्षा एजेंसी ने भारतीय टैक्सी चालकों पर नेपाल से यात्री ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। झूलाघाट थाना पुलिस ने भी टैक्सी संचालकों को निर्धारित स्थल पर ही टैक्सी खड़ा करने के निर्देश दिए हैं। तो ये थे आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें।